सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग जानने वाले फ्रंट बेस कैबिनेट, रिवर्स बेस कैबिनेट और कर्व बेस कैबिनेट के बारे में। ये कैबिनेट कहाँ पर यूज होते हैं, इसमें लगने वाला स्पीकर कौन सा है और इस कैबिनेट को हमें परचेज करना चाहिए कि नहीं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कैबिनेट से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ा सा ये उलझन भरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट जान लेते हैं इस कैबिनेट का स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है फ्रंट बेस, ये है कर्व बेस और ये है रिवर्स बेस। इन तीनों कैबिनेट में डिफरेंस क्या है, आज हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं पंच, वाइब्रेशन प्लस वाइब्रेशन प्लस पंच, ये तीन चीज़ें होती हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे पंच। सो फ्रेंड, किसी भी स्पीकर से जब आवाज़ निकलता है तो आपके चेस्ट पर या सीने पर एक अलग सी एनर्जी फील होती है, या फिर कह लीजिए उस पर दबाव जैसा या धक धक जैसा फील होता है, उसे हम पंच कहते हैं। सो फ्रेंड, दूसरा है वाइब्रेशन। जब भी किसी स्पीकर से आवाज़ निकलता है, उसके सामने कोई भी सामान रखा वो हिलने लगे, या उस स्पीकर के सामने कोई भी गिट्टी पत्थर हो वो हिलने लगता है, तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। सो फ्रेंड, अगला है वाइब्रेशन प्लस पंच। वाइब्रेशन पंच क्या होता है? सो फ्रेंड, यदि आपका शरीर हिल रहा हो, आपका सीने पर एक अलग सी एनर्जी फील हो रही हो, तो उसे वाइब्रेशन और पंच कहते हैं। वाइब्रेशन में आपको कंपन देखने के लिए मिलता है, आपका शरीर हिलने लगता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझेंगे फ्रंट कैबिनेट के बारे में। सो फ्रेंड, इस कैबिनेट में आपको इस स्पीकर का जो पेपर कोन होता है वो बाहर देखने के लिए मिलता है, और इसका जो मैग्नेट होता है वो अंदर के साइज होता है। इस स्पीकर में आपको लॉन्ग थ्रो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो पेपर कोन होता है बाहर की तरफ होता है। इस कैबिनेट में आप कोई भी 1500 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हैं, जिसका वॉइस कॉइल 4 इंच या 4.5 इंच हो। इसमें आपको लॉन्ग थ्रो प्लस पंच देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड, जिस स्पीकर का कॉइल 4 या 4.5 इंच के बीच होता है, उसमें आपको लॉन्ग थ्रो देखने के लिए पक्का मिलेगा। सो फ्रेंड, इस स्पीकर में आपको लॉन्ग थ्रो प्लस पंच बहुत ही लंबी दूरी तक देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगला कैबिनेट है कर्व कैबिनेट। इस कैबिनेट में आपको स्पीकर का जो पेपर कोन होता है वो बाहर की साइड देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो मैग्नेट होता है वो अंदर की साइड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस कैबिनेट में जो स्पीकर लगा होता है वो थोड़ा तिरछा लगा होता है, क्रॉस में लगा होता है, इसलिए इसको कर्व कैबिनेट बोला जाता है। इस कैबिनेट में आपको वाइब्रेशन प्लस पंच दोनों देखने के लिए मिलेगा। इस कैबिनेट में आप कोई भी 1800 वाट के RMS पावर वाले स्पीकर यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2000 RMS पावर वाले स्पीकर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसमें 1800 वाट के दो स्पीकर यूज करेंगे, इसमें आपको काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन और पंच देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड, अगला कैबिनेट है रिवर्स कैबिनेट। सो फ्रेंड, इस कैबिनेट में आपको इस स्पीकर का जो पेपर कोन होता है वो अंदर की साइड देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो मैग्नेट होता है वो बाहर की साइड देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स कैबिनेट में आपको जो स्पीकर देखने के लिए मिलता है वो क्रॉस में लगा हुआ होता है, थोड़ा तिरछा लगा हुआ होता है, इसे LF सीरीज का भी कैबिनेट बोला जाता है। इस रिवर्स कैबिनेट में एक पॉप बेस भी आता है, जो सिंगल स्पीकर होता है लेकिन वो हार्ड लोडेड होता है, और इसमें एक और कैबिनेट आता है जिसे डब्लू पिन का भी कैबिनेट बोला जाता है। सो फ्रेंड, हम इस कैबिनेट के बारे में बात नहीं करें, हम सिर्फ रिवर्स कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड, रिवर्स कैबिनेट में सबसे ज़्यादा आपको वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैबिनेट में आपको पंच बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। आप कहीं भी 25 से 20 फीट के अंदर, आप डीजे के सामने या फिर आप फ्रंट में एकदम खड़े हैं, तो आपको 20 से 25 फीट के अंदर जो उसका वाइब्रेशन लेवल होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। उस लेवल के अंदर आप रहेंगे तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कंपन करेगा, या फिर डीजे के सामने कोई भी गिट्टी कुछ भी कंक्रीट हो तो हिलने लगेगा। इस प्रकार के कैबिनेट में जो आप स्पीकर यूज करेंगे वो कम से कम 2000 वाट से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर आपका हैवी वाटेज का होगा, तो उसमें आपको वाइब्रेशन बहुत ही खतरनाक देखने के लिए मिलेगा, आपको वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस होगा। और उस स्पीकर का जो वॉइस कॉइल होना चाहिए वो 4.5 इंच से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी उसका वॉइस कॉइल रहेगा तो उसमें भी आपको वाइब्रेशन बहुत खतरनाक देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो एरिया में डिमांड क्या है, पब्लिक को क्या पसंद है, वाइब्रेशन प्लस पंच पसंद है या फिर पंच पसंद है या फिर वाइब्रेशन, उस हिसाब से आप अपना कैबिनेट तैयार कीजिए। सो फ्रेंड, यदि आपके पास डीजे सेटअप भी है तो आप पहले अपना डीजे सेटअप में चेक कीजिए, उसमें आपको कमी कौन सा महसूस हो रहा है, वाइब्रेशन का कमी महसूस हो रहा है या फिर पंच का, उस हिसाब से अपना आप कैबिनेट तैयार कीजिए। सो फ्रेंड, बात करते हैं इन तीनों कैबिनेट में से सबसे अच्छा कैबिनेट कौन सा है। सो फ्रेंड, सबसे अच्छा कैबिनेट है इसमें आपको कर्व कैबिनेट, जो आपको फ्रंट स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैबिनेट में आपको
लॉन्ग थ्रो के लिए पंच और वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके एरिया में पब्लिक का डिमांड क्या है। जैसे हमारे एरिया में डिमांड है पब्लिक का, फ्रंट लोडेड वाला कैबिनेट सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें आपको लॉन्ग थ्रो के लिए पंच देखने के लिए मिल जाएगा और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपके लिए कौन सा कैबिनेट बेस्ट है, उसे इसे आपसे आप अपना कैबिनेट तैयार कीजिए। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।